के बाद यकीन का सफर। के काबिल नहीं छोड़ा। अबी, रिहान, ये देखो, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही अबी। इसके पास फोन कहाँ से आया? मुझे क्या पता। क्या हुआ, तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? वो ये लो, जूस पियो। सब लोग आए क्यों नहीं अभी तक? देर क्यों हो गई? जो भी आ, मेरी जान, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? देखो, इतने प्यार से तुम्हारे लिए जूस बनाया, पियो ना। देर हो जाएगी, भाभी बहुत डांटेंगी मुझे। भाभी, 5:30 से पहले तो उनकी आंख नहीं खुलती, तुम्हें क्या याद करेंगी? इतनी परेशानी कोई बात नहीं है, हो गया। आप पाखरा आंटी को फोन करें ना एक दफा। पाखरा आंटी, मैं काफी है तुम्हारे लिए। हाँ तो क्या कोई नहीं आ रहा? सिर्फ मैं और तुम, किसी और की क्या जरूरत है? हाँ छोड़ो मुझे। सोफिया, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हंगामा मचा रखा है भाई तुमने? रमेश से पूछे, पता नहीं लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है ये। अंकल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, खुद मेरे घर पे आई है और आज हमारा निकाह था,
तो आप परेशान ना हो, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बना लूंगा उसको। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं लाया। ये मुझे धोखे से यहाँ पे लाए। क्या लगा रखा है? अकेली छोड़ बोल। क्या ये सही कह रहा है? अरे हाजी साहब, आप चुप खड़े क्यों हैं? तो यार पुलिस को फोन करो। हाजी साहब, पुलिस को बुलाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शरीफ लोगों का महल है। देखो लड़की, सीधे अपने घर जाओ। शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम रुस्वा नहीं करते। कोई इज्जत आबरू का भी ख्याल करना चाहिए तुम्हें। जाओ सीधे अपने घर। अरे हाजी साहब, ये क्या कर रहे हो? आप तो पुलिस के हवाले करे उसे। ये दोनों बदकार है। अल्लाह माफ करे, माँ बाप तालीम के लिए भेज रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं ये बदकारियां? पहले तो लड़कों को काबू रखना मुश्किल था, मगर अब इन लड़कियों ने शर्म आया सब। माफ करना साई मजबूरी है। क्या करे ताई अम्मी, आजकल की लड़कियां लड़कों की बातों में आके क्या क्या कर जाती हैं। बस आप दुआ करें कि वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में हो। ज़ूबिया, रिहान, अभी ज़ूबिया आ गई है। ज़ूबिया तुम कहाँ थी? क्या हाल बनाया हुआ तुम्हारे बैग का है? ज़ूबिया कहाँ कहाँ नहीं हमने तुम्हें ढूंढा है। ठीक तो हो ना तुम? ज़ूबिया को ज्यादा चोट आई है, उसको होश नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं उसे डॉक्टर के पास ले जाने की। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या? अच्छा मर जाए, बेगैरत मर जाए। नहीं मरेगी तो मैं गला दबा के मार दूंगा उसको। लो शुरू हो गए सिलसिले। अब सबको बताओ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इफ़त का फोन आया था। वो कह रही थी कि ज़ूबिया घर से किसी लड़के साथ भाग गई।
यकीन तो नहीं आ रहा। ये बात सच है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। बस ताई जान क्या करें, अल्लाह ने ये रुसवाई हमारे नसीब में लिखी थी। साहब किसी से इस वाक्य का जिक्र ना कीजिएगा प्लीज। मतलब मैं किसी से क्यों कहूँ, ये बताओ मैं बाकी किसी से निकाह कर रही? शायद, पर अभी यकीन से नहीं कह सकते हम। अल्लाह माफ करे, आजकल के बच्चों को टीवी और फिल्मों ने कहीं का नहीं छोड़ा बच्चों। बस क्या करूं ताई जान, मैं ठहरी सीधी सादी घरेलू औरत, अब मुझे क्या पता था ये कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ जा रही है। अपने साथ साथ बाप और भाई की इज्जत को भी दाग लगा कर आ गई है। अभी बेचारे तो शाम से अपने कमरे से नहीं निकले, और रेहान को तो ऐसी चुप लग गई है जैसे कोई मौत हो गई है। आपसे एक बार फिर इल्तिजा करूंगी ताई जान, इस वाकये का जिक्र किसी से ना कीजिएगा। अपना तो मुंह काला कर ही आई है, अब उसका बाप और भाई तो सर उठा के चल सके ना कम से कम। फिक्र नहीं करो शीमा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है ताई जान, अल्लाह हाफिज। तुमने उसे मना नहीं किया? किस किस्म की कंट्रोवर्सीज में ना पड़े, उसने अभी तो अपना करियर स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी सुना है आप आए बातें? अभी यार। हाउ वाज न्यूयॉर्क? ऑल गुड, सब ठीक था। भाई ये लेके आ रहा हूँ। अरे वाह। तो हाउ वाज एवरीथिंग? मैंने आपकी वो मीडिया कवरेज देखी थी ऑन योर पेपर्स एंड रिसर्च। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत सारी खबरें तो एक साथ तो मुझे भी मिली हैं यहाँ के, और मैं हैरान हुआ कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने कोई गैंग रेप का केस लिया? जी बाबा। देखो, इंसानियत की खिदमत करने के और भी तरीके हैं, तुम ये केस नहीं लड़ोगे। अभी तुम्हें बाहर से आके यहाँ प्रैक्टिस करते हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए, मैं 30 साल से ही काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का अंदाज़ा है। मैं तुम्हें किसी भी इस तरह अंधे कुएं में या ऐसे केस में उलझने की इजाज़त नहीं दूंगा। बाबा आपने खुद सारी ज़िंदगी लोगों की मदद की है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी सर्विस उन लोगों को दूँ जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? देखो बेटा, तुम फौरन अपने आप को इस केस से अलग कर लो, और मुझे ये दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। तानिया, शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम रुसवा नहीं करती। आप तो पुलिस के हवाले करें उसे, ये दोनों बदकार हैं, माँ बाप तालीम के लिए भेज रहे हैं और ये रही है बदकारियां। शर्म आया, सब सब छोड़ दी, कोई इज्जत आबरू का भी ख्याल करना चाहिए तुम्हें। बाबा की वजह से अपसेट है? मैं बाबा को नाराज भी नहीं करना चाहता, औरों की बात मान भी नहीं सकता, मगर ये सवाल एक मासूम लड़की की जिंदगी का है। या तो मैंने उसे उम्मीद ना दिलाई होती, उसके जहन में इंसाफ हासिल करने की ख्वाहिश ना पैदा करवाई होती, तब तो मैं पीछे हट सकता था, मगर अब उस दिनों की तरह पीछे कैसे हट जाऊं? ये करके तो मैं साबित कर दूंगा कि जीत सिर्फ ताकतवर की होती है। मजलूम सच और हक पर होने के बावजूद हार जाता है क्योंकि उसके पास ताकत और पैसा नहीं होता। मैंने न्यूरी की आंखों में मायूसी को उम्मीद में बदलते पता कब देखा था? कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कोर्ट ने उन तीनों रेपिस्ट की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया था, उस लम्हे में मैंने पहली बार न्यूरी की आंखों में उम्मीद देखी थी। मैं उसे कैसे मायूस करूं? दानियाल, आपको ये केस लड़ना चाहिए। Really? लेकिन दानियाल, मुझे एक बात की जमानत चाहिए आपसे।
सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे। नूरी से हम सबको हमदर्दी है, मुझे भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आपकी सलामती है। बस भी कर, तू सोना नहीं है क्या? लाइट ऑफ करो। दुनिया में फरिश्ता सिर्फ इंसान कितने कम होते हैं ना, जो बगैर किसी गर्ज के दूसरों के काम आते हैं। खुदा ने सारी दुनिया ऐसी क्यों नहीं बनाई? शबनवाज और उसकी औलाद जैसे भेड़ियों को बनाने की जरूरत ही क्या थी? बातें तो तुम ऐसे करती हो, लगता ही नहीं गांव से आई हो। देखो यार, अल्लाह ने तो सब इंसानों को एक जैसा ही बनाया है। ये तो इंसान ही है जो अपने अमल से अच्छा और बुरा बन जाता है। पता है मरियम, आज वकील साहब ने मुझे ये किताबें दी और वो कह रहे थे कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। तो क्या अब आगे पढ़ने का इरादा है तुम्हारा? मुझे पढ़ने का शौक तो बहुत होता था, लेकिन अब सोचती हूँ कि दुनिया में इंसान ये सब क्यों करता है, किसके लिए करता है? क्या मुझे अपनी इज्जत कभी वापस मिलेगी? क्या मुझे मेरे अम्मा बाबा कभी वापस मिलेंगे? क्या मेरी जिंदगी वही हो जाएगी जैसे पहले थी? क्या मैं वही नूरी बन सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आती दुनिया में इज्जत किस चीज की होती है। इंसान जानवर में भी रहम खा लेता है, तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारे बच्चों की माँ है ये? इस किस्म की हरकतें करेगी तो मार खाएगी। खुदा के गजब से डरो खलील, मेरी पाक बाज और बाहया बेटी पे तोहमत लगाते हुए तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं आ रहा? बहुत बुरा किया मैंने, अपनी भूल जैसी बच्ची को तुम जैसे जालिम के साथ ब्याह दिया। ले जाओ फिर अपनी बेटी को अपने पास, अपने घर में बैठा लो, तलाक दे देता हूँ मैं उसे। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म कर रहे हैं आप, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। अम्मा भी बस करें ना, कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ अपने घर। क्या बस करें, इसी घर में रहोगी इसके थप्पड़ जूते और मार खाने के लिए? जो कुछ तुम मेरी बेटी के साथ कर रहे हो ना, अल्लाह करे तुम्हारे आगे भी आए एक दिन। मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बेटी है, अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई है, जिस दिन खींच लेगा ना तो पता चलेगा। मुझे तो ये डर लगता है कहीं ये सब तुम्हारी बेटी के आगे ना है। खुदा के वास्ते अरे मैं लेके गई थी अपनी दोस्त मिसबा के घर में नोट्स लेने थे, घर के अंदर भी नहीं गए थे, घर के बाहर से नोट्स लिए और 10 मिनट में घर वापस आ गए थे। अभी खुदा का वास्ता ना प्लीज, मैं आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे मार ले, अम्मी को मत मारे, खुदा का वास्ता। मैं तेरी माँ को मारूंगा नहीं, आज तेरी माँ की टांगें तोड़ूंगा ताकि ये आइंदा घर से बाहर खत्म ही ना निकले। नहीं मैं कह रहा हूँ हट जा, मैं कह रहा हूँ हट जा। मेरी बेटी किसी के साथ आशिकी माशूकी करेगी तो मैं यूं बेशर्मी के साथ उसकी शादी के कार्ड बांटता नहीं फिरूंगा।
या तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा या उसका गला घोट कर मार दूंगा। सुप्रिया, उठो कुछ खा लो, उठो। देखो मैं तुम्हारी पसंद का बना के लाई हूँ आलू गोश्त। देखो सुप्रिया, जो होना था वो हो गया है। हमारी इज्जत को खाक में मिलना था, मिल गई। अब ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। उठ के खा लो कुछ, धोने वाले डालो। शमसा चाची, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। कौन था लड़का, कुछ पता किया? मैं तो कहती हूँ उसी लड़के के साथ रुखसत करो, इज्जत रह जाएगी हमारी। कुछ बताएगी तो हम फैसला करेंगे ना, और फैसला तो अभी नहीं करना है। शमसा चाची, देखिए आप इस बात का जिक्र किसी के सामने मत कीजिएगा, हमारी इज्जत का सवाल है। अरे बच्ची, मैं क्यों किसी को बताने लगी? वो इफ़त और भाभी बेगम है ना, वो ही सब में फैलाती फिर रही हैं। मैं तो किसी को नहीं बता रही। तो तुम जहांगीर शाह गैंग रेप केस नहीं छोड़ रहे हो? बाबा, मैं ये केस लड़ना चाहता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी दानियार? देखिए, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई एक हक और बातिल के दरमियान है, सच और झूठ के दरमियान है, जालिम और मजलूम के दरमियान है, और इस लड़ाई में मैं सच, हक और मजलूम का साथ देना चाहता हूँ। मुझे अब इस कामयाबी की दुआ दें, मुझे सच का साथ देने से प्लीज ना रोकें। साहब के सियासी मुखालफिन इस साजिश में बकायदा शरीक हैं। ये जितने भी मामलात हैं ये सारे बकायदा स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड हैं। लेकिन सर, नूरी ने वाजे तौर पर अपने बयान में जहांगीर शाह और उनके दोनों दोस्तों के नाम लिए हैं, और मेडिकल रिपोर्ट भी यही बता रही है कि गैंगरेप हुआ है सर। इस तरह की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। नूरी के तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ हैं। शाह साहब के मुखालफिन नूरी को एक खेल और मंसूबे के तहत तैयार करके सामने लाए हैं,
और इस मंसूबे में शामिल होने पर इस लड़की और इसके घर वालों को इतना बड़ा मुआवजा मिला है कि ये वो लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। उनको कितने एकड़ जरई ज़मीन मिली है, कितने लाख रुपए मिले हैं, ये सब मैं सबूतों के साथ अदालत में पेश करूँ। वकील साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। बस नो मोर क्वेश्चंस। नूरी साहिबा, जहांगीर शाह के वकला का कहना है कि गैंग रेप का सारा केस मंसूबा और सोचा समझा प्लान है और आपके वालिद को इस केस में, इस साजिश में शामिल होने के लिए कई एकड़ जरई जमीन और 50 लाख रुपए मिले हैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? प्लीज हमें कुछ गाड़ी में नूरी साहिबा हमें कुछ बताइए प्लीज। आप लोगों को एक मासूम लड़की पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं सर, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लाइव सारा मंजर चल रहा है। मैंने नूरी से और दानियाल से बहुत से सवाल किए लेकिन उन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन वकला ने मुझे नई और ताजा तरीन इतला दी है कि नूरी के बाप ने समझ में नहीं आता। आप उसको निकाह के दो बोल पढ़ा के इस घर से दफा क्यों नहीं करते थे? किस लिए रखा हुआ उसको इस घर में? आप दो बोल तो ऐसे पढ़वाने का कह रहे हैं जैसे आपको यकीन है कि वो निकाह नहीं करके आई। अब हमें क्या पता कि वो क्या क्या करके आई है। कोई लड़का इतना शरीफ तो होता नहीं है कि एक लड़की उसके पास खुद चल के जाए, वो इसे ऐसे जाने दे। मुझे तो डर है खुदा ना खास्ता वो अपनी इज्जत मिट्टी में ना मिला। वो तो अपनी बकवास बंद करेगी। अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपकी खामोशी अब मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रही है। क्या आपको नजर नहीं आता उसने सारे जमाने में हमें रुस्वा करके रख दिया, जलील हो गए हम, किसी के सामने आग नहीं मिला सकते। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। जिस शख्स के साथ ये, आप इसका निगाह कर दें बस फटाफट। अभी अच्छा ठीक है तो फिर अब या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा। मैं इस मनु साय के तले अपने बच्चे की परवरिश नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। और अगर ये लड़की किसी दिन मेरी आंखों के सामने आई, खुदा की कसम मैं इसका गला दबा के मार दूंगा।
हेलो, हाँ ठीक है, उनको बैठाओ। हाँ मैं आ रही हूँ। दानियल साहब, मैं भी आई। ये ले नूरी, प्लीज पानी पिए। वकील साहब, आपने सुना वो मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि पापा ने पैसे और जमीन ले ली है। उनको बोलने दें आप। न्यूज़ चैनल्स का काम ही रह गया कि वो सनसनी खैज खबरें चला चला कर अपनी रेटिंग्स बढ़ाते हैं। अब घबराए नहीं, जो भी हमें साबित करना है हम अदालत में साबित करेंगे। देखिए, अगर हम इंसाफ लेने निकले हैं तो थोड़ा बहादुर तो हमें बनना पड़ेगा ना। अब आप इतनी बहादुर बन जाए कि रोने पर आप नहीं, पर जिन्होंने आप पर जुल्म किया है वो मजबूर हो जाए। तुम भी खाओ। क्यों आए हो? आई नहीं, मेरे बच्चे ये क्यों कर रहे हो? बैठ नीचे, बैठ। जब बेटियां संभाली नहीं जाती तो पैदा क्यों करते हो? अब्बा, तू कितना बुजदिल है। शहर चलोगी मेरे साथ? काबू में रख उसको, काबू में, वरना तेरे कोई भी बच्चा नहीं बचेगा, समझा तू? बैठ। छोड़ के जा रहे हैं, अगर पीछे अद्दी आ गई तो हमें कहाँ ढूंढेगी?
निकाला। ये माफ करना, ये माफ करना।